हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार, आदाब। तो दोस्तों, मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का प्यारा सा ब्लॉग। तो गाइस, सुबह सुबह के बज चुके हैं पूरे, कितने पता है आपको? 10:30। 10:30 सुबह सुबह नहीं है ये, काफ़ी समय था। और गाइस, यहाँ पर आ चुका है, क्या पता है आपको? नहीं है पता तो मैं बता देता हूँ। गाइस, ये है मौसमी का जूस, और किसी को पीना है तो आ जाओ। और गाइस, ये है कचरिया। कचरिया तो क्या कहेंगे, फूट कह दो आप इनको, फूट है ये। तो गाइज, मैं पी लेता हूँ क्या मौसमी का जूस सुबह सुबह पहले, उसके बाद हम कहीं चलते हैं, आपको ले चलते हैं आज। तो गाइज, मैं जूस पी लिया हूँ जैसा कि, और अब मैं चलता हूँ। थोड़ा सिस्टम खराब हो गया है, देख के आता हूँ। और दोस्तों, मैं ना ओलंपिक का मैच देखने जाने वाला था, लेकिन यार मेरी किस्मत ही इतनी ख़राब है कि ना मत पूछो, दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन ठीक है कि हमारी टीम जीत गई एक मैच, और एक मैच और उसका चल रहा है। तो गाइस, अभी मैं घर पे ही हूँ, और है ना, बहुत दिन से ये। हाँ, एक बात बताऊँ दोस्तों, ये वीडियो चक्कर में भी सही तो बोल दिया, नहीं ऐसे बोल रहे कि ऑफिस का कुछ काम है। अच्छा, ऑफिस के काम की वजह से ही तो रुक गया मैं। ऑफिस का कुछ काम है, विदा सर्वे रहा, इसलिए जा रहा हूँ। झूठ बोलते हो, कैसे खा पा मन दूसरे ऑफिस का काम केवल वेवल ले रानी हो तो जाना पड़ा, काम था थोड़ा सा। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, है ना, मैं ये बहुत सारे दिन से ना ब्लॉगिंग में नहीं आ पाई थी, क्योंकि उसका कारण तो मैं नहीं बता सकता। बाकी ये है कि भाई, अब है ना, अभी भी ये इसकी तबीयत है ना, वो अभी भी खराब है। तबीयत खराब होने की वजह से ब्लॉग तो नहीं बना पाई, लेकिन मैं ही कर रहा था कार्रवाई पूरी। तो ये बता सकती है कि आप इतने दिन से ब्लॉगिंग में क्यों नहीं आ पा रहे थे, बताओगे? हम लंबी छुट्टी पे गांव गए थे। अब ओहो, लंबी छुट्टियों पे गांव गए थे। अच्छा आए 1-1.5 महीने पहले। अच्छा अब तबीयत पानी एकदम भाई, गाइस अभी भी तबीयत पानी है ना इसकी, सही नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि है ना, ग्रहण लग गए हो। इसकी तबीयत ख़राब रहती है ज़्यादातर समय में, और जब तबीयत ख़राब रहती है ना, तो आदमी का दिमाग और दिल दोनों ही काम नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष का जीवन चल रहा है। इट्स बैड टाइम, बैड मैन, नॉट ए बैड मैन। भूख लग गई लेकिन फिर ये देख लो भाई, इनकी भूख लगी पड़ी है, खाना नहीं बना पा रहे। चलो, खाने के लिए तो और भी ऑप्शन है अपने पास, हो जाएंगे। खाने का जुगाड़ तो ऐसा है कि भाई नहीं हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि बताए ना, क्योंकि ये हमारे पास रखा ये क्या है पता है आपको? क्या है? मतीरा। ओ भगवान, तो बड़ो मतीरा, वो पानी पानी निकला इसमें से, तो बहुत वजन है इसमें। क्या सीन है? दूसरा ये है हमारे पास ऑप्शन बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन। मैं गाइस देख लो, मैं इनको बना के दूंगा खाना। हाँ, तबीयत खराब हो तो मैं दे भी सकता हूँ, इट्स नॉट ए बिग इश्यू, है ना, कोई बड़ा मैटर नहीं है। बाकी और नॉर्मल वे में तो भाई तुम्हें बनाना ही होगा, लेकिन तबीयत खराब है अभी, कुछ समय तक और रहेगी इनकी, बाद में ये सही हो जाएंगी ना, जब ये है कि भाई। तो गाइस, शबनम की तबीयत वाकई में खराब है, और ये है ना, अब मतीरा, एक मतीरा की राड हुई थी यहाँ पता तुम्हें, मतलब बीकानेर और नागौर के मध्य में जो ये मतीरा था ना, उसका पेड़ तो उगा था एक जिले में और उसका फल गया दूसरे जिले में, तो उन दोनों में लड़ाई हो गई कि भाई मेरा है मेरा है। तो ये वही मतीरा है भाई जी। तो भाई दोस्तों, मतीरा जिसको खाना है वो पहले तो वो लाल निकल जाए अंदर से, ये इस सीजन के यहाँ पे ऐसे ही होते हैं, अपने उधर होते हैं वो लाल वाले मतीरे ना। तो भाई मतीरे खाने, तो मतीरे खाने आ जाओ, क्योंकि रोटी का ऑप्शन है हमारे पास तो ये मतीरा। और गाइस, मतीरा है ना वो, देख 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 लेके हमने काटा वो, अच्छा अच्छा मतीरा इन्होंने खा लिया गाइस। हमने गांव में एक फुटबॉल है, एक मिर्जान खेत में, तो सब मिल रहा है खावा अपने माँ, है ना, क्योंकि वहाँ ना माँ कम कम हो कम होते हैं दोस्तों। हमारे उधर जो ये फूट काचरे है ना, ये जब कम बहुत कम होते हैं, जो मिल जाता है तो इतनी तगड़ी खुशी मिलती है कि है ना, सब खुश हो जाते हैं, मिल बांट के खाते हैं। और यहाँ तो बहुत थोड़े है ना, यहाँ इतनी ज़्यादा तादाद है कि भाई साहब पूछो ही मत, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। जिस भी खेत में जाओ आप, वहाँ आपको ये कन्फर्म मिल जाएंगे, और कुछ मिले ना मिले, है ना, ये ज़रूर मिल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे। और सब्जी के लिए बड़े टेस्टी होते हैं, खाने में भी बड़े टेस्टी लगते हैं। और पता है आपको, ये वाटर की पूर्ति करता है ये,
मेरा बीपी वैसे कम ज्यादा होता रहा है। हाँ तो गाइस इसका अभी एक दिन ऐसा बीपी का हुआ कि ये हो गई बेहोश, फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा मुझे। हॉस्पिटल में करवा जिस पहले तो अलग, अभी दो दिन पहले ही तो हाँ तो गाइस इसके खराब। हाँ तो ये काफी लंबे समय से बीमार है, मतलब यहाँ से गई है ना, मतलब तुम यहाँ से गए हो ना जब से बीमार हो ना, एम आई राइट है ना। तो गाइस ये यहाँ से जाती है, वहाँ जाके माहौल चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बीमार रह जाते हैं। वैसे बहुत लंबी कहानी है बीमार होने की। हाँ बीमार होने की कहानी बहुत लंबी है, वो नहीं बताएंगे, जब समय आएगा ना सही एकदम से है ना, जब बता देंगे सही समय पे बताएंगे। मतलब बहुत दिन से बीमार हूँ, कितने दिन से? अप्रैल में 3 साल से। 3 साल से बीमारी। दोस्तों देखिए मैं इसको कितने सालों से झेल रहा हूँ मैं बीमारी को। अच्छा आप झेल रहे हैं क्यों मतलब बीमार मैं, मतलब आप झेल रहे हो बीमारी से, मैं कैसा समझौता कर रहा हूँ। मैं भी एक आदमी, आप है चलो आपका थोड़ी वो दुख दुख में झेल रहा हूँ। बीमार लोगों के साथ रहते हैं ना दोस्तों, आपको तो पता ही, बीमार लोगों के साथ रहते हैं तो ऐसी फीलिंग आ जाती है कि हम भी बीमार ही है ना, कहते हैं। पर मैं ऐसा रिएक्शन बहुत ही कम करूंगा। वही तो बात है, जब माहौल अच्छा है एकदम से ज्यादा ही हालत खराब हो ना, जब रिएक्शन करूँ नहीं तो दुख झेलती रहती है ना, मेरी आदत हो गई। हाँ तो गाइस इसके लिए कुछ दुआ कर दो यार थोड़ी बहुत कि ना ये तुरंत सही हो जाए, 3.5 साल हो गए उसको बीमार होते हुए। कोरोना ऐसा आया हमारी जिंदगी में तो कोरोना कोरोना ही रह गया भाई। सच बताऊं तो मतलब वो कोरोना से ना अब पता चल रहा, मतलब मेरे कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई कोरोना से। कोविड से तेरे फेफड़े वगैरह किडनी ये सब मुग लगे, होली दिखेंगे कल्याण। तो जांच तो करवा ली, जांच में तो कुछ नहीं दिखता। जांच तो करवाई थी लेकिन जांच में क्या दिखाते हैं, सही थोड़ी ना दिखाते हो यानी, मतलब कमजोरी तेज आ गई है ना। कमजोरी अगर कोई एक दिन व्रत रख लूँ ना तो 1 महीने की गई हो जाए। हाँ तो भाई इसलिए भाई व्रत व्रत नहीं रखती बिल्कुल, ये इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है व्रत में, क्योंकि इसको पता है कि पहला सपने रोगी का आया, व्रत रखेंगे तो क्या होगा, 1 महीने में भी 1 महीने तक बीमार रहेगी तो ठीक है। भगवान ने भी कहा कि भाई भूखे भजन हो न को फाला, यो थामो थारी कंठी माला। तो भाई बात तो वही है कि भाई भूखे भजन नहीं हो इससे, ना ये व्रत करती है ना कुछ करती है, बस ये बीमारी से जूझ रही है। तो मैं इसको इलाज करवा रहा हूँ, ये तो शुक्र है हमारा राजीव RGHS का है ना, नहीं तो अस्पताल में चल जाता सारा पैसा। फिर भी जब भी 1 साल तो गया ना, 50-60-70 हज़ार रुपये गए 1 साल पिछली साल। हाँ तो ये RGHS नहीं आया उसके समय में, उस साल तो बहुत पैसा गया था, 60-70 लाख सब चला गया था बीमारी बीमारी में। 70-80 तुझे तो इतना याद है, तू होश में रही थी, बेहोशी में कहाँ तुम्हें पता कितना पैसा गया हमारा। तो गाइस बुरा वक्त सबका आता है, हमारा भी बुरा वक्त चल रहा ही है, लेकिन ये जिस दिन सही हो जाएगी उस दिन अच्छा वक्त आएगा। तो इस वजह से है ना, ये था मेन कारण कि ये ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, ब्लॉग में नहीं आ पाई थी इस वजह से। तो अब थोड़ी थोड़ी रिकवर होने लगी है और आशा करते हैं कि ये रिकवर हो जाएगी जल्दी। और दोस्तों आपके कोई सवाल वगैरह हो ना तो पूछ लिया करो, जवाब देने की तैयार है ये, आप जवाब दे देगी ये। आगे आपके कोई सवाल है ही नहीं है क्योंकि आप तो बहुत बुद्धिमान लोग हो है ना। बहुत तो ऐसे है जो मतलब वीडियो देख के ही पता लगा लेते हैं क्या चल रहा है। हाँ है भाई सही में, कुछ एक ऐसे हैं जिनको पता लगा लेता है, बोलने की आवश्यकता ही नहीं, वो अंदाज लगा लेते हैं भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में। तो गाइस अब हिम्मत जुटा रहा रोटी बनाने की, गैस खाना बनाने की हिम्मत जुटाई जा रही है। और गैस साथ गैस नीचे उतार के बनानी पड़ेगी। हाँ तो ठीक है जैसा भी है वट एवर, अब बना लेना मतीरे खा के एनर्जी आ जाएगी। और उसके बाद में गाइस कल से ये रेगुलर ब्लॉगिंग करने वाली है तो आप बने रहना। यही करेंगे, मेरी तो हिम्मत नहीं है, बस बीच बीच में बोल लिया करूँगी कभी। हाँ तो क्योंकि क्योंकि गाइस आजकल का मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा कहीं, एक ही जगह पड़े रहते हैं, बहुत जगह जाए ना ब्लॉगिंग के लिए, दूसरी नई नई जगह जाते रहते हैं तो मज़ा भी आता है, अच्छी चीज़ लोगों को दिखाएं, एक ही जगह पड़े रहते हैं, हमारी तो कर्तव्य परायणता में हम बंदे। शादी को 5 साल पूरे हो गए, 6 साल लगने लगे, आप उनको कहीं घुमाने नहीं लगे। हेलो भाई ये क्या कह दिया आज, बेइज्जती कर रही है हमारी लाइफ में आके, फोन में आके बेइज्जती नहीं है भाई, मैंने ले जाऊंगा तुम्हारी तबीयत सही। अब देखो गाइस ये कैसे सवाल करते हैं, इनको खुद पता है जवाब।
जयपुर में कभी कुछ नहीं दिखाया क्या? एक बिड़ला मंदिर देखा जो भी रास्ते में आते हैं हाँ तो हम वादा कर रहे हैं, तो मेहरबानी मामा जी इनकी थी, मामा जी ने दिखाया था, आपने तो अभी नहीं दिखाया। हाँ तो हम ले जाएंगे भाई, जब तबीयत स्वस्थ हो जब तो ले जाएंगे, मजा। अब मैं ले जाऊं तो हमने माउंट आबू वहां जाके तुम हो जाते हो बीमार, फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते घूमूंगा, सब घूमते रहेंगे जीटी, और वो तो दो चार बार घुमा लाया जीटी, कोई घूमने की जगह थोड़ी है, नहीं तो शॉपिंग करने जा रहा। हाँ तो तुम्हें ले चलूंगा, पर तुम स्वस्थ हो जाओ एक बार, वही हम आशा कर रहे हैं स्वस्थ हो जाए। दोस्तों आप भी आशा कर रहे हो स्वस्थ हो जाए, तभी तुम्हें घुमा के लाऊंगा। आज इनका दर्द झलका है कि मुझे कहीं घुमा के नहीं लाया मैं, और बाकी मैं सब जगह घूम चुका हूँ ये तो पता है, इसलिए मेरा मन नहीं करता। जब हमको घर छोड़ के आते हैं ना तभी इनका टूर बनता जाने का। तो गाइस बीमार लोगों को कहाँ ले जाऊँ तुम्हें बताओ, जब दोस्त यार जब भी प्लान करते हैं जब भी जाने का हो जाता है तो इनको कहाँ ले जाए। बीकानेर लगे एक बार, तो बीकानेर नागौर खंडाल ये सब जगह घुमा तो दिया, सालासर वाला जी जीण माता ये सब जगह घुमा दिया इनको। एक बार उधर ले गए गोवर्धन, बस गोवर्धन में थोड़ी ले गए, तब हमारा जी रुमान साथ गई थी नाना वहाँ पे वृंदावन। हाँ वृंदावन ले तो गया था जब स्वस्थ रहते, फिर क्यों झूठ बोल रहे हो, वृंदावन तो एक साल भी नहीं हुआ अभी, जब तो अस्वस्थी हो अस्वस्थी जब भी देख लो आप, ऐसे घूमने मजा नहीं आता भाई, स्वस्थ रहे एकदम हमारी तरह तो मजा आता घूमने में। हर टाइम में जाती तो नहीं, लेकिन मैंने वो मतलब जीतू अरविंद भाई साहब उन्होंने जाने का प्लान बना लियो, तो मेरी वजह से उनको जाना कैंसिल होता था, फिर इस वजह से जाना पड़ा था। तो कोई बात नहीं, मैं आपको स्वस्थ हो जाओ मैं आपको ले चलूँगा। दोस्तों आज इनका दर्द झलका है, पता नहीं कल क्या झलकेगा, वो लगे नहीं आप कहीं ले चलेंगे एक बार स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ आप जब ले चलेंगे, ठीक है। अब आप खाना बना लीजिए, मैं दोस्तों से राम राम करता हूँ, बाय बाय दोस्तों।